हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गया आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त अगर पतंग की वीडियो ना भाई तो फिर क्या ही बना। तो ये देखिए मैं अंकल जी के पास आ गया हूँ और लगभग 3-4 साल से मैं यहीं से हमेशा पतंग खरीदता हूँ। बहुत बढ़िया पतंग है, मंजा एक नंबर मंजा यहाँ से। तो मैं पहले अंकल जी का नाम बता देता हूँ। अंकल जी एक बार अपना। हरिराम है। हरिराम हाँ जी। ये आपको शॉप नंबर है। और अभी देखिए मतलब अभी मैं बहुत जल्दी आ गया यहाँ पर, तब भी देखिए इतना माल अभी पड़ा है और बल्कि घर में अलग पड़ा अंकल जी के। अभी दुकान में इतना ही माल रखा है, ज़्यादा माल नहीं रखा है। तो ये हम अभी स्टार्ट करेंगे और अंकल जी को मतलब पतंग की जो हिस्ट्री होती है ना, शायद अंकल जी से शायद ही किसी को ज़्यादा पता हो। तो अभी शुरू करते हैं हम। देखिए पतंग जो है हमारे देश में सन 1760 में आई और ये लुकमान हकीम के टाइम में आई। ये नजमों के स्पीड बढ़ाने के काम में आती थी किसी ज़माने में। तो पतंग जो है इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दी नवाब वाजिद अली शाह नखलऊ के थे, उन्होंने इसको तवज्जो ज़्यादा दी। उनके टाइम में इसको बढ़ावा मिला। ये शौक़ राजे महाराजे नवाबों का था और आज तो आम आदमी में पहुंच चुका है। ये ऐसा है कि पतंग जो है पतंग बनी ही कटने के लिए है और पतंग से तालमेल प्यार प्रीत बढ़ती है। पतंग जो है इसको कटना ही है, चाहे कितनी भी काट ले एक दिन इसको कटना ही है। 4 काट ले, 6 काट ले, 8 काट ले तो इसको कटना ही है। मांझा जो है बरेली का बढ़िया होता है जी। 6 प्लाई का धागा बढ़िया होता है मांझे के लिए। कॉटन का मांझा इस्तेमाल करें और हम जो हैं इसको पतंग के बारे में बचपन से जानते हैं। होश आया तो पतंग हाथ में देखी है। और मैं जामा मस्जिद क्षेत्र का रहने वाला हूँ, आज इस जगह रहने लगा तो मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक़ था। और हम बहुत शौक़ किए हैं, देश परदेश बम्बई एक एक महीने रहे, नखलऊ 17-17 दिन, अनेकों बार गए कानपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, और आपका बहुत शहर गए जी, इलाहाबाद, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान, जयपुर। तो बहुत पतंगबाजी की है और आज हमारी नज़र कुछ कमज़ोर हो गई है तो हम मैदान नहीं जाते हैं। तो पतंग जो है नज़र पढ़ाने के लिए है, ये अच्छा शौक़ है, ये दिल को खुश करती है। इस पतंग आपने आपकी 2 कट गई और आपने पलट के 2 काट दी तो मन खुश हो जाता है इससे। तो पतंग जो है अच्छी है। और मेरे दादाजी भी पतंगबाज थे, झज्जर नवाब ने 250 गज हवेली पतंगबाजी में इनाम में दी थी किसी ज़माने के अंदर, राजस्थान व हरियाणा के अंदर। तो अभी अभी पतंगों के बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। सबसे पहले याद शुरू करते हैं। हाँ, ये पतंग आपने खुद ही बनाई है सारी? नहीं नहीं, मेरी नहीं बनी हुई है, ये मंगाई है। हाँ मेरी नहीं बनी हुई है, मैंने बनाता था, मैंने बनानी छोड़ दी, मैं बनाता था। अब तो ये बाजार से लाके हम बेचते हैं। मतलब अगर ऑर्डर मिलेगा, अगर जैसे किसी को बड़ा ऑर्डर चाहिए तब? मैं बनाता था, बनाता नहीं, हाँ छोड़ दिया बनाना, क्योंकि आप तो बाजार से खरीदते हैं वही बनाते हैं। हमारी पतंग यहाँ बिकती नहीं, शौकीन आदमी तो ले लेता है, यहाँ नहीं लेता कोई भी है जी। 30 रुपए की शौकीन ही पतंग है जी। और यहाँ कोई लेता नहीं। ये पतंग 5 रुपए की है। हाँ जी ये पतंग है 5 रुपए की है जी। हाँ जी। और जैसे साइज पौना और ये मंझोली पतंग है, मंझोली ये मंझोली पतंग है, ये 5 रुपए की है। 5 रुपए की। हाँ जी। और ये भी प्रिंटेड पतंग है, 5 रुपए की है। और ये पौना है, 15 रुपए का है। ये पौना है, हाँ ये पौना है, ये मैदान का साइज है। ये पतंग 15 रुपए की है। अच्छा 15 की है। हाँ जी। ये सारे मतलब इसमें अलग अलग डिजाइन में? हाँ अलग अलग डिजाइन है, ये पौना है, ये सब अलग अलग डिजाइन है। ये सारे आपको डिजाइन मिल जाएंगे इसमें? हाँ और भी डिजाइन है, मैं उधर रखे हैं, बहुत डिजाइन मिल जाएंगे। और अभी जो दूसरे कमरे में रखे हैं वो भी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। हाँ और अब बात करते हैं मंजे की। हाँ जी। ये मंजा कौन कौन सा है? ये मंजा बरेली का है साहब जी। सारे बरेली के ही है? हाँ जी ये बरेली का है। और ये कॉटन के धागे हैं,
है जी। और इसमें वही कि अगर उड़ाने वाले पे बात होनी चाहिए, मंजे पे ज्यादा नहीं, मंजा कई क्वालिटी में होता है, चार तारे में, छह तारे में, तीन तारे में। छह तारे का मंजा मैदानी होता है, छह तारे का जो मंजा मैदानी होता है वो मैदान की पतंग, बड़ी पतंग के लिए मंजा बढ़िया होता है। अच्छा हाँ, तो इसमें कितने तार होंगे जो भी है? देखिए ये सब चार तार हैं, ये छह तार का है जो सबसे नीचे, ये भी हाँ, ये भी इसमें भी छह तार भी है, चार तार भी है, मतलब ये सारे वही है जो ये लगा रखे हैं। हाँ ये छह, हाँ कोई इसमें जैसे कोई ऐसा होगा जो बेस्ट मंजा होगा? हाँ बेस्ट मंजा देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भी बेस्ट मंजा है ये वाला। ये कितने रील में आती है? ये 6000 मीटर है, छह रील है। अच्छा और कितने का पड़ेगा ये पूरा? ये पड़ेगा जी मैदानी मंजा है 1200 रुपये का, छह रील का। और अगर इसको एक रील लेनी इसमें तो हम दे देते हैं 250 रुपये का। अच्छा 250 मिल जाएगा। और जैसे ये मंजे ये कितने रील का? ये 3 रील का, ये स्पेशल मैदानी मंजा है, बढ़िया मंजा है। अच्छा, जी मैदानी है। हाँ तो मैदानी मंजे में तो ऐसा कुछ रहता नहीं कि अगर एक बार पतंग कट गई तो फिर अगर मंजा जमीन पे गिर गया तो खराब हो जाएगा, ऐसे भी कुछ नहीं? नहीं है, सब कहते हैं जी मांजा वैसे जमीन पे गिरना नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ऐसा है गीला नहीं होना चाहिए, तो बस गीला नहीं होना चाहिए। हाँ ये मांजा स्पेशल मंजा है मैदानी, ये 3 रील का ही है, 6 रील का है, इसमें 4 रील है इस वक्त। अच्छा हाँ, और ये कितने का ये वाले? 1000 रुपये का है। अच्छा 1000 रुपये का है। मतलब कोई ऐसा है कि एक रील या 2 रील का ही हो जो सिर्फ इनमें? वो देते हैं 2 रील में, मतलब वो अलग से मिलता है ना? हाँ दे देते हैं, मतलब दो पैकिंग में कोई नहीं आता पहले? हाँ ना ना, 3 रील से कम नहीं होती इसमें पैकिंग, 3 से कम नहीं होती। अच्छा। हाँ 6 रील 12 रील होती है। तो आपके पास 3 रील में सबसे सस्ता कौन सा होगा? देखिए सब एकदम चालू क्वालिटी तो नहीं है हमारे पास, रखते नहीं हम पतंग उड़ाने वाले हैं, हम मजा बढ़िया रखते हैं, पतंग भी बढ़िया रखते हैं, चालू पतंग जो है वो या चालू मांजा नहीं मिलेगा यहाँ पर, जो कोन का मांजा है वो नहीं मिलेगा, स्पेशल मांजा या 4 तारे तक मिल सकता है, 3 तारे का मांजा नहीं मिलेगा। ये सारे अलग अलग क्वालिटी, सबसे हैवी कौन सी है? शायद ये वाली लग रही है मुझे, नीचे वाली नहीं, ये भी है, ये भी है, कई कई है इसमें। कितनी रील है जो ये नीचे वाली? 6 रील है इसमें भी, 6 रील है, 6 रील है। ये भी 6 रील है। अच्छा 6 रील का। और ये कितने का पड़ेगा पूरा? 1500 रुपये का। अच्छा, ये 1500 स्पेशल मांजा है ये, बढ़िया 6 तारे में लड़ाने वाला, और लड़ाने के लिए 6 तार काफ़ी हैं, है ना? हाँ जैसे बहुत लोग होते हैं जैसे उड़ाते उड़ाते कहते हैं कि हमारा धागे टूट जाता है उड़ते उड़ते, तो उसमें क्या वो क्या रहता है? ऐसा है मांजा जमीन में नहीं गिरना चाहिए, जमीन में गिरने से बल खा जाता है, और बल खा जाता है तो रगड़ लग जाती है, और कई बारी क्या होता है पतंग से आपने 2 काट दी 3 काट दी तो दूसरे का घिस्ता ले जाता है मांजा, उसे बोलते हैं घाव ले गया, तो वो पतंग टूट जाती है, घाव ले जाता है, जब आपने पतंग तो काट दी, आपकी खतरे में थी मांजे के बल पे आपने पतंग काट दी, लेकिन घाव ले जाता है वो टूट जाती है। तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी पड़ी हैं, जैसे ये वाली छोटी वाली सब्जी है, ये कितनी की है? 30 रुपये की। ये 30 की है? और ये वाली 10 रुपये की। ये 10 वाली नहीं है, ये 20 की। ये 20 की, मतलब अलग अलग रेंज की मिल जाएगी? हाँ जी हाँ, अलग अलग रेट है। और ये वाली कितने की है? ये भी 10 की है। ये भी 10 वाली है। ये 70 रुपये का है। ये हाँ 70 रुपये का है, मजबूत धागा है, येलो रेड हाँ सब कलर है इसमें, सारे कलर के आपको सब्जी मिल जाएंगे। हाँ और ये भी सेम ही है उधर वाला भी? हाँ वो भी यही है। अच्छा। और ये 80 रुपये का है। अच्छा ये 80 का है। हाँ जी इसमें कितना होता है? इसमें 900 मीटर। 900 मीटर। अच्छा मतलब एक रील से थोड़ा सा कम है? एक ही रील होता है जी, 900 मीटर का ही रील होता है। अच्छा रील 900 मीटर का ही होता है इनमें, मंजों में भी? अच्छा। अरे कुछ चरखी पड़ी है जैसे ये चरखी बच्चों के लिए लेना चाहते हैं? हाँ ये 15 रुपये की चरखी है, ये 20 हाँ ये 20 रुपये की चरखी है, और ऐसी सारी पड़ी है, और ये 40 रुपये की चरखी है, ये 40 की।
और ये सबसे बड़ी इसमें ये वाली है, ये 90 रुपए की चरखी है, बैको लाइट है ये, पहिया जो है ना लकड़ी नहीं है, बैको लाइट है। हाँ। बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि जब जैसे ढील देते हैं तो यहाँ से ढील आने में दिक्कत लेती है, इसमें नहीं अटकेगी वो, इसमें नहीं आती है ना, इसमें नहीं अटकेगी वो, तो जो बढ़िया क्वालिटी के लोगे तो उसमें ऐसे हाँ नहीं होगा, और ऐसा होगा ना कम डोर होगी तो अटकती है, चरखी टेढ़ी पकड़ी तो अटकती है, है ना, और चरखी सीधी पकड़ोगे तो कम अटकेगी। 60 रुपए की है जी, ये भी 60 की है, हाँ ये 3500 रुपए की है, 3500 रुपए की। अच्छा ये 30 वाली है ना, सदी वाली? हाँ जी 30 वाली है, ये भी 10 वाली है, सारी 10 वाली है। तो ये जो साइज है इससे बड़े भी साइज है मैदान का? तो इससे बड़ा साइज नहीं होता, वो उड़ाने वाले उड़ाते हैं, लेकिन आजकल धागे इतने मजबूत नहीं आ रहे जो कि बहुत बड़ी पतंग उड़ाई जाए, पौने तक तो सीमित है। और फिर बड़ा उड़ाएंगे तो टूट सकता है। हाँ तो वो फिर मांझे, इस मांझे के ऊपर कॉटन के धागे के ऊपर पौने तक सीमित है, और यूं तो 9 तार आती है, वो बहुत महंगी होती है, फिर वो अलाउ नहीं है, अलाउड भी नहीं होता वो। ऐसा है उड़ाते हैं उड़ाने वाले, ज़्यादा मजबूत धागा ठीक नहीं है, किसी को घिस्सा पड़े ये धागे टूट जाते हैं। चाइना का धागा नहीं टूटता, प्लास्टिक वाला आता था, प्लास्टिक का जो चाइना का मांझा नहीं टूटता, वो पानी में भीगने के बाद धार खत्म नहीं होती, अगर ये गले में लगेगा तो इसकी धार खत्म हो जाएगी, उसकी धार खत्म नहीं होगी चाइना मंजे की, वो टूटेगा नहीं, ये टूट भी जाएगा, इसमें उसमें जान के लिए खतरा है चाइना मंजे में, इसलिए वो बैन है, हम नहीं बेचते चाइना मंजा। पिन्नी कितने की है जी? ये 5 रुपए की है जी। अच्छा ये बच्चों के लिए जो है डोरेमोन ये सब बने? हाँ हाँ ये सब बहुत कलर डिजाइन होंगे इसमें, 5 रुपए की है। अच्छा ये सब 5 वाली है? हाँ जी। अभी दूसरे कमरे में भी रखी आपने पतंग? हाँ ये रखी है, साइज तो यही होंगे। हाँ। ये पतंग जो है 10 रुपए की है, आधे की है, मैदानी पतंग है, बढ़िया पतंग है, 10 रुपए की है। अच्छा। बरेली की पतंग है। तो अभी कन्ने लगा के भी देते हो? ये तो मैं उड़ा लेता हूँ ना, इसलिए बांध देता हूँ। अच्छा अच्छा, कि बांधने नहीं पड़ते। हाँ, मतलब तो उड़ाता हूँ तो कन्ने बांध के तैयार रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे कहोगे अंकल जी नहीं उड़ाता हूँ, अंकल जी भी बहुत बड़े पतंगबाज हैं। अंकल जी मतलब पतंगबाजी में कुछ बताइए अपने बारे में। देखिए मैं 1976 का दिल्ली चैम्पियन हूँ, हमारी क्लब आज़ाद काइट क्लब है जी, मैं दिल्ली पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, जामा मस्जिद का, और यहाँ रहते हुए मुझे 35 साल हो गए, मेरा सारा जीवन वहीं बीता है बाकी, और हमने बहुत पतंगबाजी की, वहाँ सारे पतंगबाज सब जानते थे, हिंदू मुसलमान सब, बड़ा प्रेम था, बड़ा प्रीत था, सब कुछ था, और बहुत दोस्ती रही हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी, क्योंकि वो पतंगबाजी का जामा मस्जिद क्षेत्र पतंगबाजी का गढ़ है, इलाका पतंगबाजी का है। तो बाकी जो स्टॉक है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखो ये सारी पतंगें रखी हुई हैं, आपको बहुत सारे डिज़ाइन भी मिल जाएंगे सारी पतंगों में, और ये देखो पूरा ढेर रखा हुआ है। तो अभी कितनी पतंग होगी लगभग इसमें? मेरे पास 3000 पतंग है अभी इस समय, 3000 पतंग है आपके पास? अच्छा तो ये 15 वाला ही होगा ना? हाँ जी 15, फिर उस बाकी 7-5 ऐसे है ना? हाँ। ये सारे हैं, और एक मिनट 12 जी आप मतलब पतंग रख दीजिए, पतंग रख दीजिए, और इधर आ जाइए, और अंकल जी का एक मिशन है मतलब मोटिव है कुछ भी कह दो, जो बता रहे थे वो बताइए, जो तिरंगा। हाँ जी मैं 75 फुट का झंडा तिरंगा उड़ा के दिखाना चाहता हूँ, जैसे इंद्रधनुष निकलता है। है जी, उसके लिए झंडा जो बनेगा मेरी मौजूदगी में बनेगा, और मैं जिस हवा होगी तो जरूर उड़ेगा, 100% उड़ेगा, हाँ नहीं तो मैं गारंटी नहीं, तो मैं 75 फुट लंबा झंडा तिरंगा झंडा कपड़े का उड़ा के दिखाना चाहता हूँ। और फिर दूसरी चीज, पतंग से प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में पतंग से फूल माला डाल सकता हूँ, ना वो हाथ लगाएंगे ना मैं हाथ लगाऊंगा, माला गले में रह जाएगी, पतंग अलग हो जाएगी, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अंकल जी ये करना चाहते हैं, मतलब एक वो होता है स्पॉन्सर चाहिए अंकल जी को, है ना, क्योंकि ये चीज कोई आसान चीज नहीं होती, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है,
है ना, क्योंकि इतना कपड़ा लाना है, उसके बाद पतंग भी इतनी बड़ी बनानी है कि वो उसका वजन सह पाए। पतंग भी बहुत चाहिएगी मुझे, उसमें सद्दी भी बहुत चाहिएगी, चरखी भी चाहिएगी, उसका वजन भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सब अंकल जी का मोटिव है, मिशन है कि ये मुझे करना है। और ये सब आप तो देख ही रहो शॉप। और अंकल जी की जो गली है वो ये वाली है, अगर एड्रेस मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। और जो शॉप है वो ये वाली है सामने, मतलब है एक ही है, पतंग वालों के नाम से जानते हैं। हाँ, मतलब अगर आप, मतलब आप अगर यहाँ पर कहीं भी कहोगे कि मुझे पतंग वालों को यहाँ जाना है, तो अंकल जी बहुत फेमस है। मतलब अंकल जी यहाँ पर 30 या 34 साल से यहीं पर है ना, यहीं पर है। और किसी से भी आप बोलोगे कि अंकल जी के यहाँ जाना है, तो वो बता देगा कि कहाँ रास्ता है। मतलब बहुत, यहाँ ऐसे नहीं कि गली में आके पूछो, अगर कहीं बाहर भी पूछोगे ना, बाहर भी कहीं पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, मतलब बहुत दूर दूर से भी बंदे आते हैं अंकल जी के पास पतंग लेने। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो से दिखते रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में।